मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो अरे हम वॉक करने, तो आज इन्होंने जिद पकड़ी है कि पवन झील पे जाना है वॉक करने, तो अभी जा रहे हैं आज हम झील वॉक करने। सिक्स लेन कह सकती है, एट लेन कह सकती है, इतने छोटे। ऐसा ऐसा ग्रुप पकड़ना पड़ेगा आपको, ग्रुप ही। सो गाइस, पेट्रोल हमने डलवा लिया, अभी हम जा रहे हैं लेक। लेक से बहुत टाइम हो गया हमें लेक गए हुए, क्योंकि आपने व्लॉगिंग की शुरुआत लेक से करी थी, लेकिन उस दिन के बाद इतनी बारिशें हो रही हैं कि हमें लेक जाने का मौका ही नहीं मिला। आज थोड़ा सा धूप का मौसम था, मौसम बिल्कुल क्लियर था, तो इसलिए लेक जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर के और थोड़ा सा नज़ारे लेकर के आएंगे। फिर लगानी दौड़, फिर लगानी चल। गाइस अभी खा रहे हैं खाना, तैयारी है हमारी मूवी देखने की, मुंह में दही जमा लिया। ठीक है, सो मैंने अपने लिए बनाया है पनीर टिक्का, ये खा रहे हैं। अभी टाइम हो गया बस, हर्षी ने ऑलरेडी गदर की टिकट्स बुक की हुई हैं, तो 4:15 का शो है, आप देख सकते हैं। स्वयं मेरे से लंबा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा टेढ़ा खड़ा हूँ, पर सीधा होकर के भी मेरे बराबर ही पहुँच गया लगभग, जिसने जूते पाए हुए हैं। थोड़ी देर में निकलते हैं, जैसे नीलम और हर्षिता रेडी होती हैं। लगा नहीं तो चलो, टाइम हो गया ऑलरेडी, 3:15 हो चुके हैं। So guys, ये देखो गुस्से वाली मम्मा पापा की साइड की बैठी है, ये रही हर्षी, मुझे कहीं भी नहीं है, शैतान भी आगे बैठा है, मम्मा पीछे बैठे हैं, तो मम्मा को दिखाना है अभी। शैतान बच्चे को नहीं खाना, जो अपने अपने काम खुद करो करो बस, मत लग जाएगी उसको पंगे पास। हम गाइस मैंने आरआरआर
सेंटर का मैंने वीडियो डाला था पहले, कुछ लोगों को पता नहीं लगा एड्रेस का, तो एड्रेस मैं बता देता हूँ कि आप बैंक स्क्वायर में हमने जाना है। बैंक स्क्वायर में बैंक ब्रिज बना है केसी थिएटर और जगत के बीच में, उस वाले ब्रिज के नीचे मार्केट में है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, बस इसी ब्रिज के नीचे है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, बस इसी के बिल्कुल साथ में ही आपको मिल जाएगा। सारे गाड़ी से उतर गए हैं, गाड़ी जैसे देखेंगे जहाँ वो स्कूटर खड़ा है वहीं पे आरआर सेंटर है। आगे तरफ को दिखा दो, यहाँ पे आपको आरआर सेंटर मिल जाएगा। तो गाइज ये है आरआर सेंटर, यहाँ आप देख सकते हैं सारा। आज 24 साल में पहली बार हम दोनों एक साथ मूवी देखने गए हैं। एक साथ नहीं मतलब इस पूरी फैमिली हाँ। और गए हैं, बच्चे तो फिर भी देखाते हैं। मैं तो मल्टीप्लेक्स ही मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा है, तो 24 साल की शादी में पहली बार देखा हो। मैं तो फिर एक दो बार देखा हूँ क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ में गया हुआ था एक बार। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हम गए नहीं आज तक 24 साल में। प्रॉब्लम मीन्स की क्या है कि वो शोर शराबे से थोड़ा सा सिर दर्द होता है, इसके स्पीकर बहुत बिल्कुल सिर पे होते हैं वो सिनेमा हॉल में, इसीलिए मूवी नहीं देखने जाती है। लेकिन मूवी मस्त थी, बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया देख करके। जय हिंद, जय भारत। तो हर्षी और स्वयं दोनों यहाँ बैठे हैं, हम अभी टी शर्ट में बैठे हैं। तो बच्चों कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी जी। गदर 2। और इस मूवी को लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं आए हुए, लगभग बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन उसका भी हाउसफुल था आज। सीट खाली नहीं थी जिस शो में हम बैठे थे, इतना रश। मैंने बहुत बहुत पुरानी मूवी देखने गया था मैं, हम में इतना रश देखा है मैंने। हो सकते हो कि हम कितनी पुरानी मूवी है, सही थी तो उस टाइम पे। और जब हम मूवी देखने जाते थे तब टिकट भी चंडीगढ़ 4.5 रुपये की बालकनी की टिकट होती थी, 3 रुपये की अपर क्लास होती। कल मैंने टिकट बुक कराई है तो मैं तो हैरान रह गया, टिकट ही 200 रुपये की एक टिकट है। प्लस पता है कैसे टिकट हमने ली थी? तब तो ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होता था, और लाइन में लग कर टिकट लेनी पड़ती थी। पूरा सिनेमा हॉल में एक ही मूवी चलती थी और उसमें भी हाउसफुल रहता था। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, हर हिंदुस्तानी के दिल को छू रही है। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे एक्टिव, स्टे फिट, स्टे फिट। बाय।